की शादी में आई है, वो कैसे हो सकता है? Awesome. मैंने गाउन पहना है और मैंने हील्स पहने हैं और ऊपर फेदर्स भी लगाए हैं, तो फेदर्स भी बता दो एक बार। ब्यूटीफुल रबर बैंड। ये सिर्फ पर नहीं है, वरना ये बगैर परों की परी है, सफेद परी। जाहिर है कि बहुत ही मौज में आके, बहुत मूड में आके, बड़े प्यार से मैंने तैयारियां की इसके लिए। और जाहिर है कि मिसेस भल्ला का तो एक जो अलग-अलग लुक है वो कैरेक्टर के हिसाब से है, और आज जो मेरा कैरेक्टर होना चाहिए उसके एक को आर्टिस्ट की हैसियत से, उसके कुलीग की हैसियत से, उसके दोस्त की हैसियत से और ऑन स्क्रीन माँ होने के अलावा, वैसे भी वो मेरे लिए बेटों की तरह है, तो माँ होने के नाते बहुत प्यार से और बहुत खुशी से, बहुत दिल से तैयार होकर आई हूँ, तो डिफरेंट लुक आया है। दादी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। आज वो दादी जैसे लगी नहीं रही। अच्छा, तो छोटी लग रही हूँ दादी की उम्र से छोटी। मैंने अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी। मैं वही टिप देना चाहूँगी जो टिप मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे और मेरे हस्बैंड रिजवान की लाइफ बहुत हैप्पी है। लड़ाइयाँ भी हुई खूब, ज़िंदगी भर एक दूसरे से लड़ते मरते रहे, लेकिन ये कि वैसे प्यार भी बहुत है। तो उसका सीक्रेट यही है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं हैं। हालांकि मैंने देखा है कि तमाम लेडीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर छुपाती है, कुछ नहीं तो पैसा ही छुपा के रख लेती हैं, लेकिन मुझे बड़ा फजूल सा लगता है। मेरी कमज़ोरी ये है कि मैं झूठ नहीं बोल सकती, और अपने हस्बैंड से तो कभी भी नहीं। और कई बातें ऐसी हैं जो कही जाती हैं कि हस्बैंड से छुपानी चाहिए, बड़ी बूढ़ियाँ तक कहती हैं, बाज़ औक़ात सास तक ताकीद करती है कि भाई सब कुछ ना बता दो, लेकिन आई डोंट बिलीव इट। और मैं समझती हूँ कि जिस रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पर रखी जाए वही सबसे प्यारा और मज़बूत रिश्ता होता है। तो कोई भी बात हो छुपानी नहीं चाहिए, ज़रा सी गलत फहमी बहुत बड़ी हो जाती है और ज़िंदगियों में और घरों में आग लगा देती है। तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, प्यार करें और कुछ छुपाए नहीं, और अल्लाह ताला उन दोनों की ज़िंदगी में प्यार में नसीब में बहुत बरकत दे और हमेशा वो खुश रहें।